नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ रशा हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। फीस बढ़ोतरी की मांग को लेकर छात्रों का धरना जारी। एनएसयूआई के बाद छात्रों को कांग्रेस का मिला समर्थन। छात्रों का धरना बना राजनीतिक मुद्दा। पंद्रह नवंबर को जेपी नड्डा करेंगे उत्तराखंड का दौरा। बीजेपी ने तैयारियां की, चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक। तमाम बीजेपी पदाधिकारी रहे मौजूद। उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड में तेज हुई चुनाव प्रचार। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों पर सौंपी प्रचार की जिम्मेदारी। कांग्रेस अध्यक्ष ने जीत का ठोका दावा। और अब खबरें विस्तार से। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां आपको अब नगर निगम में पार्किंग का शुल्क अदा करना पड़ेगा। आपको बता दें कि ये पूरी खबर देहरादून की है, जहां पर नगर निगम में पार्किंग में बाहरी वाहनों की पार्किंग के चलते अधिकारी अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर पाते, जिसके बाद नगर निगम ने बड़ा कदम उठाते हुए शुल्क वसूल करने का ऐलान किया। निगम की ओर से एक घंटे से ज़्यादा वाहन खड़ा करने पर शुल्क वसूला जाएगा। उत्तराखंड की देहरादून नगर निगम पॉलीथिन मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रही है। आपको बता दें कि नगर निगम की ओर से शहर को पॉलीथिन बनाने का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन फिर भी नगर निगमों में 50 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर जन जागरूक करने की पहल की गई। मेयर सुनील उनियाल ने बताया कि अगर कोई भी पॉलीथिन का इस्तेमाल करता नजर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, साथ ही जुर्माना राशि वसूला जाएगा, जिसके लिए निगम की ओर से 50 टीम गठित की गई। फीस बढ़ोतरी के चलते धरने पर बैठे छात्र छात्राओं को अब कांग्रेस का हाथ मिल गया। आपको बता दें कि कांग्रेस का हाथ छात्र छात्राओं को मिल चुका है, जिसके चलते वो अब धरने पर बैठे हैं। वहीं बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी प्रदेश के विधायकों से मिलकर छात्रों की सहायता करेंगे। बता दें, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रदेश भर के कई निजी विश्वविद्यालय 3 गुना फीस वसूल कर रहे हैं, जिसके विरोध में छात्रों का धरना जारी है। छात्रों को कांग्रेस का साथ मिलने के बाद मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। आज पूरे प्रदेश में लगभग तमाम छात्रों के बीच और अभिभावकों के बीच ये गंभीर मुद्दा पहुंच चुका है, और इस अन्याय के बारे में जागरूकता का एक पूरा अभियान जो हमारे साथी थे एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के लोगों ने पहुंचाया, और वो सफलता से पहुंचा, और धीरे धीरे ये आंदोलन अब प्रदेश स्तर पर होते जा रहा है। दूसरी बात, आज भी लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक पहल इस मुद्दे पर नहीं हुई है। उसका स्पष्ट कारण ये भी है कि अगर हाईकोर्ट के आदेश का इन कॉलेजों को पालन करना पड़ेगा, जो कि करना ही पड़ेगा, तो एक मोटी रकम, मोटी राशि जो अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से इन छात्रों से वसूल करी गई है पिछले वर्षों में, वो इन्हें वापस करनी पड़ेगी। वहीं लालकुआ में परिवहन विभाग और प्रशासन की ओर से चेकिंग अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि लालकुआ में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके चलते प्रशासन की ओर से और परिवहन विभाग की ओर से ओवरलोड वाहनों के खिलाफ ये चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रशासन ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 1 दर्जन से अधिक वाहनों का चालान काटा, और पुलिस और परिवहन विभाग के अभियान के तहत वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। उप जिलाधिकारी विवेक राय ने अभियान जारी ने की भी बात कही। वहीं उत्तराखंड में छात्र छात्राओं ने दोस्ती वीक मनाया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सितारगंज में राजकीय इंटर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने दोस्ती वीक मनाया, जिसमें छात्र छात्राओं ने पुलिस के सहयोग से अपराध के प्रति जागरूक और नियमों के बारे में बताया। दोस्ती सप्ताह के अंतर्गत कार्यशाला में पुलिस और छात्रों की ओर से एक संगठन बनाया जाएगा, जिसमें छात्र छात्राओं में फैल रही नशे की लत को दूर करने की बात कही। वहीं देहरादून में फीस बढ़ोतरी के चलते लगातार आंदोलन जारी है। आपको बता दें कि फीस बढ़ोतरी के चलते यह आंदोलन देखा जा रहा है और फैलता जा रहा है। वहीं छात्रों संयुक्त रूप से भीख मांगकर भीख की भेंट उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को भेजी। बता दें, छात्रों के समर्थन में एनएसयूआई के साथ ही अब कांग्रेस भी आ गई है। हालांकि इस बीच छात्रों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली।
वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को फोन पे धमकी देने वाले शख्स को अब पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। जी हां, आपको बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र रावत को निजी मोबाइल पर फोन पर हर की पौड़ी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने केशव प्रसाद नोटियाल नामक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 9 नवम्बर को सीएम के नंबर पर धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इससे पहले भी आरोपी सीएम को नुकसान पहुंचाने की बात कह चुका है। देखिए, जो प्रकरण है इसमें हमने एक युवक को हिरासत में लिया है, केशव प्रसाद नोटियाल को। उसने अपनी गलती मान भी ली है। वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, वो कोई उसका कोई ऐसा इरादा नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है वो। पहले भी उसने एक बार इस तरह की हरकत की थी, उसमें उसको सजा भी हुई थी, तो उसको मुझे लगता है काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत है। राजधानी देहरादून में ठगी के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते ऐसा ही मामला एक बार फिर सामने आया, जहां बुजुर्गों को निशाना बनाने वाले गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से कंगन, अंगूठी समेत एक स्कूटी भी बरामद की। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पिथौरगंज में उपचुनाव के चलते कांग्रेस पार्टी अब सतर्क नजर आ रही है। आपको बता दें कि चुनाव के चलते अब कांग्रेस पार्टी सतर्कता बरत रही है। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस निगम चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है। इस मौके पर लालचंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पिथौरागढ़ और रुड़की चुनाव में अपना परचम लहराएगी, जिसका जिम्मा स्टार प्रचारकों को सौंपा गया है। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने पुतला दहन किया। आपको बता दें कि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने उत्तराखंड सरकार का पुतला दहन किया। धरने पर बैठे छात्रों की सरकार ने अब तक कोई सुनवाई नहीं की, जिसके चलते छात्रों ने पुतला दहन कर अपना गुस्सा दिखाया और सरकार तक अपनी मांग पहुँचाने की कोशिश की। बता दें, फीस बढ़ोतरी के चलते छात्रों ने सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। और फिलहाल उत्तराखंड लाइव में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताज़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी।